हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। आज मैं उस प्लेस पर वापस जाने वाला हूँ जिस प्लेस पर बहुत सारी शूटिंग्स होती है, बजरंगी भाईजान, पीके, कच्चे धागे, गुलामी और भी बहुत सारी। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको वहाँ पर बजरंगी भाईजान और पीके की शूटिंग्स बताई थी, एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ उस प्लेस पर और भी ऐसी शूटिंग्स हुई थी। तो बने रहिए, मिलते हैं उस लोकेशन पे। वापस हम आ गए बजरंगी भाईजान की लोकेशन पर। इस बार मेरे भाइयों को दिखाने लाए हम। इस लोकेशन को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं इस लोकेशन को। एंड मैं इस लोकेशन पे वापस आ गया हूँ बिकॉज ये लोकेशन इतनी प्यारी लगी मुझे कि मुझे वापस आने का मन किया, तो मैं वापस आ गया इस लोकेशन को देखने के लिए। एंड और भी प्लेसेस मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मंडावा में क्या क्या है। टूरिस्ट लोग के लिए यहाँ पर होटल की भी सुविधा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे आगे टूरिस्ट लोग भी आए हैं आज तो घूमने के लिए। एंड ऑनलाइन बुकिंग होती है होटल्स की, तो सामने होटल है, रात में ऊपर ढाबा बनाया जाता है। आज हमारे इरफान भाई भी आए, समीर भाई समीर भाई आए हैं सूरत से स्पेशल बजरंगी भाईजान की लोकेशन देखने के लिए। बड़ा ट्रेडर्स के ओनर है, रस्सी का काम है इनका। अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। चले धूप एमू बड़ा इनका असिस्टेंट है जो कि अभी शादी हो गई है उनकी। हमने जो हवेली दिख रही है गुलामी में दिखाई गई है। एंड ये मंडावा कोठी है जहाँ पर टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं एंड ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी। कितने टाइम से ये हवेली है? ये पुरानी 150 साल पुरानी 150 साल पुरानी हवेली है ये, आज भी वैसी ही है जैसी पहले बनाई गई थी। रेडी है, हम नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं, मिलते हैं उस लोकेशन पर। ये चार लिए थे कच्चे बैग में 300 रुपया रोज का, वही में घोड़ा दौड़ाने का। बदरी भाई ने 1000 रुपया एक दिन किलर किले और दाढ़ मतलब आजकल कमाई 800। और भी है, जब भी नेट है, चलो दिल्ली है, मिमी है, बजरंगी भाईजान में जब मुन्नी को वो खाना खिलाने के लिए बैठता है तो वो यही लोकेशन है। जी भाईजान, शाकाहारी मिलेगा? क्या मिलेगा? भाजी तरकारी। एंड इस हवेली में बहुत सारे सीरियल्स शूटिंग होते हैं। एंड यहाँ पर ही पीके मूवी का जो एक गाना है वो गाने में यहाँ पर आमिर खान और संजय दत्त डांस करते हैं। एंड अंदर इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है जो राजा के ज़माने में थी, एंड हवेली में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी वो सब अभी तक ये संभाल कर रखी हुई है। अब देख सकते हैं दूध भी कैसे आता था। एंड ये पिंजरा जो बोलते हैं कि हमारे खबर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ये पिंजरे में उन्हें कैद किया जाता था। एंड वो उस ज़माने का हुक्का। एंड पीके मूवी में जब आमिर खान सबको छेड़कर भागता है उसके पीछे गांव के लोग भागते ना, वो गली यही है, यहीं से भागते हैं आमिर खान। मंडावा में आज हम बहुत सारी लोकेशंस को देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में रह गई थी उसे सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आज इतने सारे यहाँ पर टूरिस्टर आए हैं कि इतनी सारी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ पड़ी हैं यहाँ पर।
एंड आज मैं भी यहीं पर आया हूँ टूरिस्ट बन के। सामने देख सकते हैं वो फॉरेनर शूट कर रही है। देखा राजस्थान में ऐसे ऊंट और घोड़े को ले जाते हैं कहीं पे शादी होती है तो। अभी हम चाय पियेंगे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।